अस्सलाम सेकंड ईयर आज आप लोगों का ठीक आज फिर आप लोगों का लास्ट टाइम हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश किया था। आज एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का जो लेक्चर है नेक्स्ट वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग आज जो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ओवरीज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, इसके साथ साथ सिस्टम होता है जेनिटल डक्ट्स का, जिसमें यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना वगैरह आ जाते हैं, और इसके साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया आते हैं। ठीक है, सो टुडे आवर मेन टॉपिक इज ओवरीज। ओवरीज जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ग्लैंड्स हैं। चीफ फंक्शन है इसका क्या होता है, तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं जिनको हम ओवा कहते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट्स, और इसके साथ साथ इनका जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है, जैसे कि ब्रेस्ट में भी आप लोगों ने पढ़ा था एंडोक्राइन फंक्शन, तो इनका भी एक एंडोक्राइन फंक्शन होता है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स जिनको हम एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन्स कहते हैं। ठीक है, सो ओवरीज जो हैं प्राइमरी सेक्स ग्लैंड्स हैं, चीफ फंक्शन फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन है, और एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, दीज आर एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन्स। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ओवरीज जो है आप लोगों को एक अलमिन शेप बॉडीज की फॉर्म में नजर आती हैं, और आउटर साइड के सबसे बाहर इसकी एक सिंपल की बॉडी एपिथेलियम होती है, जो कि उसको एक्सटर्नली कवर कर रही होती है। इस एपिथेलियम को हम सरफेस या फिर जर्मिनल एपिथेलियम का नाम भी देते हैं। ठीक है, सो एक्सटर्नली फर्स्ट सबसे पहले आउटर कवरिंग होती है वो मेटाटॉक सिंपल की बॉडी एपिथेलियम, व्हिच इज नोन एज सरफेस या फिर जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे आप लोगों को एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, उसकी लेयर मिलेगी जो कि जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजीनिया का नाम देंगे। ठीक है, और इस ट्यूनिका एल्बुजीनिया के नीचे ओवरीज जो होगी उसका जो मेन सब्सटेंस होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, आउटर जोन जो होगा वो कॉर्टेक्स होगा और जो इनर जोन होगा वो मेडुला होगा, और इनकी आपस में जो है वो कोई प्रॉपर डिस्टिंक्ट डिमार्केशन नहीं होगी। ठीक है, डायग्राम देखते हैं, दिस इज द कट सेक्शन ऑफ द ओवरी। आप लोगों को बताया कि एल्बुमिन शेप स्ट्रक्चर है, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, एक साइड से जो ओवेरियन लिगामेंट है दूसरे साइड से सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ अटैच होता है, आप लोगों ने उसमें बड़ा होगा क्रॉस में। हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगी ओवरी की, सबसे बाहर जो होगा वो आप लोगों को मिलेगा सरफेस एपिथेलियम। ठीक है, इस सरफेस एपिथेलियम इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बॉडी सेल्स, और इसको हम सरफेस एपिथेलियम या फिर जर्मिनल एपिथेलियम का नाम भी देते हैं। ठीक है, जस्ट बिनीथ द सरफेस एपिथेलियम अ लेयर ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जो कि एक कैप्सूल बनाएगी अराउंड दी ओवरी, और इसको हम कहेंगे ट्यूनिका एल्बुजीनिया। ठीक है, सबसे पहले सरफेस एपिथेलियम है, नेक्स्ट जो होगी वो ट्यूनिका एल्बुजीनिया होगी, और उसके बाद जो ओवरी का जो अंदर का स्ट्रक्चर है, जो होल सब्सटेंस है ओवरी का, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आउटर जोन होगा, दिस वन इज द आउटर जोन जिसमें आप लोगों को बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, हम डिस्कस करते हैं ये क्या है। दिस इज दी एक्स एंड द मिडल जोन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड दोज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज नोन एज मेडुला। ठीक है, सो इनर जोन विल बी द मेडुला एंड द आउटर जोन इज विल बी द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर आप लोगों को दो मेन चीज़ें मिलेंगी, एक तो होंगे ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स बेटा आप लोग थोड़े बहुत फैमिलियर होंगे ओवेरियन फॉलिकल्स से, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में वो जेनेसिस पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट, उसके साथ साथ ओवेरियन साइकिल भी कई बार पढ़ा होगा, तो उसमें ओवेरियन फॉलिकल्स की बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ओवेरियन फॉलिकल्स शो किए हैं। ठीक है, सबसे पहले इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट, ज़्यादा नंबर में होते हैं, और ये पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरल कॉर्टेक्स यानी थ्रू आउट आप लोगों को मिलेंगे। जैसे इस जगह पर आप लोगों को ये क्लस्टर्स मिल रहे हैं, ये थ्रू आउट इसकी पेरिफेरी प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स की। ठीक है, उसके बाद ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जब ग्रो करेंगे देन ग्रोइंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उसके बाद ये चेंज होंगे इंटू द प्राइमरी फॉलिकल्स। जिस आगे प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स की अभी आप लोगों को दो तरह की मिलेंगे, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक होगा यूनिलैमिनर सिंगल लेयर पे और एक होगा मल्टी। ठीक है,
then these primary follicles will differentiate into secondary follicles will become into tertiary follicles, या फिर इसको मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं. और ये मैच्योर फॉलिकल जो होगा उसके बाद देन ओव्यूलेशन होगी, यानी कि रिलीज ऑफ ओवम होगा, और उसके बाद जब डिजेनरेटिव प्रोसेस होगा, इसलिए बाकी फॉलिकुलर सेल्स हैं इनकी डिजेनरेशन होगी, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम की डिजेनरेशन के बाद कॉर्पस एल्बिकम बनेगा. ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं, जो कि हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है. और जैसे जैसे ये ग्रोथ इनकी होती जाएगी, ये स्ट्रक्चर एनलार्ज होते जाएंगे, तो ये डीपर टू द कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है. पहले ये पेरिफेरी में है जैसे कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल, और जैसे जैसे ये ग्रो करते जा रहे हैं ये डीपर टू द कॉर्टेक्स यानी मेडुला की तरफ इंक्रीज करते जा रहे हैं. जब ये मैच्योर फॉलिकल आएगा, ये जो थ्रू आउट जो कॉर्टेक्स की विड्थ है उसको ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट जो है, अब इसके साथ साथ एक तो हम लोगों ने कॉर्टेक्स की बात की, रेडियल कॉर्टेक्स में हमारे पास फॉलिकल्स हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट को शो कर रहे हैं. नेक्स्ट जो चीज़ होती है इन फॉलिकल्स के दरमियान में आप लोगों को कनेक्टिविशन मिलेगा, ठीक है, जिसको यहाँ पर इन्होंने स्ट्रोमा का नाम दिया है, स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली ओवेरियन स्ट्रोमा. इसमें एक तो रिचली डेंस रिचली जो होगा वो सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर आप लोगों को स्ट्रोमल सेल्स मिलेंगे, और बेसिकली ये स्ट्रोमल सेल्स जो होंगे ये फॉलिकल्स के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू के लेयर्स बनाएंगे, जिनको हम थीका फॉलिकुलाई कहेंगे, जो कि आगे डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ इन सेल्स के अंदर आप लोगों को बाकी ब्लड वेसल्स और वो भी रिलेटेड मिलते हैं, ठीक है. मेडुला की बात करें, मेडुला में आप लोगों को ब्लड वेसल्स के साथ साथ लिम्फैटिक नर्व्स मिलेंगे, और इसके अंदर मोस्टली जो होगा वो लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है. तो बेटा जो मेन फर्स्ट इंट्रोडक्शन है मैंने आप लोगों को ओपी कर दिया, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर. ओपी के दो पार्ट्स बताए, मेडुला और कॉर्टेक्स. मेडुला जो है सेंट्रल पार्ट है, उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसमें ब्लड वेसल्स लिम्फैटिक्स और नर्व्स होंगी ओपी की. कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, बॉर्डर पेरिफेरल जोन है जिसे मैं आप लोगों को दिखाया. इससे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है. एक तो कॉम्पैक्ट रिचली सेलुलर स्ट्रोमा, रिचली सेलुलर यानी स्ट्रोमा के अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, और वो सेल्स स्ट्रोमल सेल्स का लाएंगे, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. दूसरे नंबर पर स्फेरिकल बॉडीज, ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो आप लोगों को स्फेरिकल बॉडीज के फॉर्म में मिलेंगे. स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स, जो कि इररेगुलरली स्कैटर्ड होंगे बिटवीन द स्ट्रोमा, ठीक है. स्ट्रोमा की अगर हम बात करें, सबसे पहले ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर जो स्ट्रोमा है चीफली कंपोज्ड ऑफ स्पिंडल शेप सेल्स, ठीक है. इसकी सेलुलर है जिसका मतलब है कि इसके अंदर सेल्स होंगे बहुत ज़्यादा. सेल्स कौन से हैं? स्ट्रोमल सेल्स जिनको हम कहते हैं, जो कि स्पिंडल शेप या फिर फ्यूजीफॉर्म शेप के सेल्स होते हैं. ये किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? इन डिफाइंड बर्ल्स या फिर हैप्रेजेंट मैनर में ये अरेंज होते हैं इन द कॉर्टेक्स में. और इन सेल्स के जो इम्पोर्टेंट है, ये सेल्स उनके दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है. सबसे पहले एक तो ये उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू एंडोक्राइन सेल्स. एंडोक्राइन सेल्स आगे से हॉर्मोन्स क्रिएट करेंगे, बाकी मैं आपको बताती हूँ. दूसरे नंबर पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उसके अराउंड एक शीट बनाएंगे कनेक्टिव टिश्यू की, और इस शीट को आप लोग बेसिकली थीका फॉलिकुलाई का नाम देते हैं. और इस शीट की भी फर्दर, थीका फॉलिकुलाई की भी फर्दर दो लेयर्स होंगी, एक कनेक्टिव टिश्यू की होगी और एक सेल्स की होगी. और इन थीका फॉलिकुलाई की जो सेल्स होंगे बेसिकली वो स्क्रीट करेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है. उस फॉर्मा के अंदर क्या है हमारे पास? नंबर वन पे इसके अंदर स्पिंडल शेप स्ट्रोमल सेल्स हैं, जो कि हैप्रेजेंट मैनर या फिर इनडिफाइंड बॉल्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं. एक तो ये इनका अंदर फंक्शन क्या है इनका, ये तो इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ट्रांसफॉर्म इनटू एंडोक्राइन सेल्स. उसे हम लोग ये शीट बनाते हैं अराउंड द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, व्हिच इज नोन एज थीका फॉलिकुलाई. और सेल्स जो फॉलिकुलाई के उनका फर्दर फंक्शन क्या होता है कि वो जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है वो रिलीज करते हैं, स्क्रीट करते हैं, ठीक है. इसके साथ साथ स्ट्रोमल सेल्स के अलावा स्ट्रोमल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? कोलेजन फाइबर्स हैं, रेटिकुलर फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल सेल्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है. ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी स्ट्रोमल सेल्स के दरमियान प्रेजेंट होंगे, और इसके साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होंगी वो भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है. बिफोर हम लोग ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं ओवेरियन साइकिल की. ओवेरियन साइकिल बेसिकली आप लोगों को पता है कि ड्यूरिंग द
रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ फीमेल लाइफ में जो ऑब्वियस होते हैं अभी फीमेल की उसके अंदर नॉर्मली जो होते हैं साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जो इन साइक्लिक रिकरिंग रिथमिकल चेंजेस को हम ओवेरियन साइकिल का नाम देते हैं, और एंड्रोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस के अंदर अगर ये साइक्लिकल चेंजेस होंगे तो उसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, वो हम यूट्रस के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल ओवेरियन साइकिल में बेसिकली ओवेरियन साइकिल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, साइक्लिकल चेंजेस जो कि रिकरिंग होती हैं रिथमिकली होती हैं नॉर्मली इन द फीमेल में होती है, उसको ओवेरियन साइकिल का नाम देते हैं। ओवेरियन साइकिल के दो फेजेस होते हैं, ओवेरियन साइकिल की वो 28 डेज की होती है और दो फेजेस में हम साइकिल को डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फॉलिकुलर फेज जिसको प्री ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो ल्यूटियल फेज होती है, आल्सो नोन एज पोस्ट ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज को कह रहे हैं ये फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकुलर फेज 14 डेज इसकी ड्यूरेशन होती है और ये ड्यूरेशन वेरी कर सकती है। ठीक है, 14 डेज ड्यूरेशन है लेकिन ड्यूरेशन वेरी हो सकती है। इसमें क्या होता है फॉलिकुलर फेज में जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ प्रोसेस जो होता है वो होता है, यानी वो प्राइमोडियल फॉलिकल से लेकर मैच्योर फॉलिकल को है बेसिकली वो हैं, वो इसमें उनकी ग्रोथ होती है, वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में से पास करते हैं और इसके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो अपने ऊपर में एनडीए पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है, ग्रोइंग फॉलिकल्स जो होते हैं उनका क्या फंक्शन है, वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं और ड्यूरिंग द मिड ऑफ दिस साइकिल ओवेरियन साइकिल अभी जो ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन बेसिकली क्या है कि ओवेरियन फॉलिकल्स जो होंगे वो ग्रो करेंगे और नॉर्मली क्या होता है कि सिर्फ एक सिंगल जो फॉलिकल जो होता है वो मेच्योर होता है और वो जो है वो फिर ओवुलेट होता है। तो ओवुलेशन जब जो जो ओवम जो होगा वो रिलीज होगा फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल, तो इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन का नाम देंगे और ये ओवुलेशन जो होती है वो मिड ऑफ द साइकिल में होगी, यानी कि 14 डे पे। दैट्स व्हाई दिस फेज इज आल्सो नोन एज प्री ओवुलेटरी फेज। नेक्स्ट फेज जो होगी वो ल्यूटियल फेज होगी, इसको हम पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहेंगे बिकॉज इट स्टार्ट्स आफ्टर द ओवुलेशन। ठीक है, इसके भी ड्यूरेशन 14 डे होती है लेकिन इसके ड्यूरेशन कॉन्स्टेंट होती है एज कम्पेयर टू द फॉलिकुलर फेज जिसकी ड्यूरेशन जो होती है वेरी करती है। बिगिंस आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो होगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो बनेगा फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ओवुलेटेड फॉलिकल। ओवम ओवुलेशन में क्या हुआ, ओवम रिलीज हुआ, ओवम रिलीज होने के बाद जो रिमेन्स था ओवेरियन फॉलिकल का वो चेंज हो जाएगा इनटू कॉर्पस ल्यूटियम और ये कॉर्पस ल्यूटियम देन सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन। ये बेटा डायग्राम है ओवेरियन साइकिल की, इसमें आप लोग देख सकते हो नीचे दो फेजेस में इसको डिवाइड किया हुआ है, डे 1 से लेकर 13 तक फॉलिकुलर फेज है, डे 14 पे ओवुलेशन होती है। ठीक है, आप लोगों को ओवुलेशन नजर आ रही है कि मैच्योर फॉलिकल में से ओवम जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 15 से लेकर 28 डे तक जो होगी वो हमारे पास ल्यूटियल फेज होगी विच इज आल्सो नोन एज पोस्ट ओवुलेटरी फेज बिकॉज इट स्टार्ट्स आफ्टर द ओवुलेशन। ओवुलेटरी प्री ओवुलेटरी फेज में आप लोग देख सकते हो ये फॉलिकल्स ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, ये पास करें फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे और फाइनली फॉलिकल्स लेकर ये मैच्योर फॉलिकल बन रहा है जो कि आफ्टर उसके बाद जो है यहाँ पे ओवुलेशन हो जाती है पोस्ट ओवुलेटरी फेज में और ये जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये प्रोसेस होता है। ठीक है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज में एलएच ल्यूटियल फेज है, इसमें एलएच जो होता है बेसिकली वो लार्ज नंबर में इंक्रीज होता है। इसमें क्या होता है कि अब जो रिमेन है ये ओवम रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद ये यूट्राइन ट्यूब में फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगा, जबकि जो रिमेन्स है ओवेरियन फॉलिकल का, दिस इज रिमेन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम की जो फेट है वो डिपेंड करेगी इफ द फर्टिलाइजेशन अकर और नॉट, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कंजनरेट हो जाएगा, डिजनरेट होने के बाद जब ये रिग्रेस होगा और अल्टीमेटली ये वाइट फैजेस फार्मेंट वाइट हो जाएगा जिसको हम कॉर्पस एल्बिकम्स करेंगे। ठीक है, अब हम ओवेरियन फॉलिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओवेरियन फॉलिकल्स हमारे पास स्टडी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर एक इनमेच्योर ओवम होते हैं जिसको हम ओवोसाइट का नाम देते हैं। ठीक है, दिस वन इज द ओवम, ओवोसाइट है इस फॉलिकल के अंदर। इसके बाहर क्या होगा, ओवोसाइट के बाहर हमारे पास एक कवरिंग होगी एपिथेलियल सेल्स की और इन एपिथेलियल सेल्स को हम फॉलिकुलर सेल्स का नाम देते हैं और एपिथेलियल सेल्स के बाहर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। ठीक है,
सबसे अंदर क्या होगा, एक इमेच्योर ओवम होगा, ओवोसाइट सराउंडेड बाय अ कवरिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स बाय रेटिनल टिश्यू क्लियर होगी। अब फीमेल चाइल्ड की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, और एडल्ट्स में 3 वैरायटीज ऑफ फॉलिकल्स कैन बी सीन जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेज ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोइंग फॉलिकल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ ईच ओवेरियन साइकिल, जैसे कि आप लोगों ने देखा ओवेरियन साइकिल के फर्स्ट फ्यू डेज में नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो होंगे उनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, ग्रोथ ओवरीज में, और इनको हम ग्रोइंग फॉलिकल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ओनली सिर्फ एक फॉलिकल जो होगा इनमें से वो फुली मेच्योर होगा, उसके बाद ओव्यूलेट होगा अप्रॉक्सीमेटली इन द मिडल ऑफ ईच साइकिल, बाकी जितने भी फॉलिकल्स होंगे वो अंडरगो ऑल अदर अंडरगो अ डीजनरेटिव प्रोसेस, उनके अंदर डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसको हम फॉलिकुलर एट्रीजिया का नाम देते हैं। सो व्हाट इज फॉलिकुलर एट्रीजिया, बेसिकली फॉलिकुलर एट्रीजिया जो है डीजनरेटिव प्रोसेस ऑफ द रिमेनिंग फॉलिकल्स, जो रिमेनिंग ओवेरियन फॉलिकल्स आ जाएंगे, एक मेच्योर होगा बाकी सारे जो होंगे वो डीजनरेटिव प्रोसेस के में गो थ्रू होंगे जिसको हम फॉलिकुलर एट्रीजिया का नाम देते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन फॉलिकुलर एट्रीजिया, फॉलिकुलर एट्रीजिया में क्या होगा कि फॉलिकुलर सेल्स जो कि सराउंड कर रहे हैं बेसिकली वो साइट को, एक तो वो डाई हो जाएंगे बाय ऑटोफोसिस, ओवम जो होगा वो साइट जो होगा उसकी ऑटोलाइसिस हो जाएगी, सोना पैलोसिडाइटिस आउटसाइड द ओवम वो कलैप्स करेगा, रेमनेंट ऑफ डीजनरेटेड फॉलिकल्स चेंगे वो इंगल्फ एंड डिस्पोज ऑफ बाय माइक्रोफेजेस, और ओव्यूलेटेड फॉलिकल्स जो होगा जैसे कि डीजनरेटेड फॉलिकल्स जो हैं वो तो इंगल्फ जाएंगे बाय माइक्रोफेजेस, बल्कि जो ओव्यूलेटेड फॉलिकल था यानी ओव्यूलेशन हुई थी उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैंने आप लोगों को जैसे पीछे दिखाया था वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होगा, ठीक है। इसके अलावा एक फॉलिकल मैच्योर हो रहा है उसकी मैचोरेशन के बाद उस वहाँ पे ओव्यूलेशन हो रही है, ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट जो है ओव्यूलेटेड फॉलिकल का वो तो चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, जबकि बाकी जो सारे फॉलिकल्स हैं वो डिजनरेटिव प्रोसेस में से पास करेंगे, उसमें ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं कि फॉलिकुलर सेल्स की ऑटोसिस हो रही है, ओवम ऑटोलाइसिस हो रही है, और जोना पेरिसोडा कोलैप्स हो रहा है, और जो रेमनेंट्स है डिजनरेटिव फॉलिकल्स के वो इनका होंगे पाए मैक्रोफेजेस, ठीक है। एक और बार आप लोगों को व्यू दिखाया गया है, ये अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, अगर आप लोग फीमेल चाइल्ड की ओर देखोगे तो उसमें सिर्फ आप लोगों को प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स मिलेंगे, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थ्रू आउट द पेरिफेरी ऑफ द ओवेरियन कॉर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं ग्रोइंग प्रोसेस में, पहले प्राइमरी फॉलिकल्स के प्राइमरी फॉलिकल्स की भी दो होती हैं, उसके बाद सेकेंडरी और सेकेंडरी के बाद मैच्योर, ये जो मैच्योर फॉलिकल है ये नॉर्मली सिर्फ एक होता है, ठीक है। ये मैच्योर फॉलिकल जो होगा वो ओव्यूलेट करेगा और बाकी जितने भी फॉलिकल्स होंगे उस टाइम पे नॉर्मली क्या होता है कि सेकेंडरी फॉलिकल जब बनता है तो सेकेंडरी फॉलिकल में से सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर होता है जो कि ये है, बाकी जितने भी फॉलिकल्स होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल के स्टेज पे वो सारे के सारे जो मैंने आप लोगों को डीजनरेटिव प्रोसेस बताया फॉलिकुलर एट्रीजिया उसमें से गो थ्रू होते हैं, जबकि सिंगल फॉलिकल मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद ओव्यूलेट करेगा, आफ्टर ओव्यूलेशन जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा फॉलिकल का वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम की फर्दर पहले डिवेलपमेंट होगी और उसके बाद वो रिग्रेस हो जाएगा इनकी कॉर्पस एल्बिकम, ठीक है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल हम बेटा हम डिटेल में वन बाय वन हर फॉलिकल को डिस्कस करेंगे, अगर किसी को कोई समझ नहीं आती तो आप साझा पूछ सकते हो। प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो इमेच्योर फॉलिकल है और ये कंटेन्स आर इमेच्योर ओवम, यानी कि प्राइमरी ओवोसाइट उसके अंदर होगा जो कि अरेस्टेड होते हैं इन वो फेज ऑफ मियोसिस बाद, ठीक है। इसके बाद सिंगल लेयर होती है पैटर्न स्क्वैमस सेल्स की और इन सेल्स को हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, और फर्दर जैसे जैसे प्रोसेस वो प्रोसेस कंटिन्यू होते हैं तो इन फॉलिकुलर सेल्स को हम ग्रैनुलर सेल्स का नाम देंगे, ठीक है। पॉलिकुलर सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाई डेस्मोसोम, रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली सेपरेट करती है इसको फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द ओवेरियन कॉर्टेक्स। वो साइट के अंदर बेसिकली लार्ज वेजिकुलर न्यूक्लियस होता है और इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होता है, इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म जो होता है वो साइट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी कॉम्प्लेक्स और अदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होगा आपको लार्ज अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो साइट के उसको ओवर लाना पड़ेंगे। डायग्राम अगर हम देखें This is the primordial follicle. अंदर जो है immature वो साइट है जो कि arrested है in the posterior prophase of the meiosis one. Vesicular this one is the oocyte और ये oocyte का nucleus है। Nucleus के अंदर आप लोगों को prominent
न्यूक्लियोलस नजर आ रहे हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर आप लोगों को ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिकुलम, रेटिकुलम और कॉल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। वायर वो साइट की हम लोगों ने पढ़ा था, सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेड सेल्स। ये स्टोमिक सेल्स आप लोगों को इसके न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेड स्टेनल सेल्स की, विच इज नोन एज फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, और फॉलिकुलर सेल्स जो होंगे ये इसके बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन अरेस्ट करेंगे, प्रोमिनेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली सेपरेट करेगी फॉलिकल को फ्रॉम द सराउंडिंग स्टोमल सेल्स, स्टोमल सेल्स इसके साउंड। ठीक है, अगर आप लोग लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में देखो तो ये आप लोगों को ढेर सारे ओवेरियन फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं। जिससे इसकी पहली ओवोसाइट प्रोमिनेंट इसको आप लोगों को न्यूक्लियोलस नजर आ रहे हैं, और ये ओवोसाइट के बाहर ये फ्लैटेड न्यूक्लियाई जो है स्टोमल सेल्स को आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, और उनके बाहर भी स्टोमल सेल्स सारे के सारे जो हैं ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स। नेक्स्ट, प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो होगा उसके अंदर ग्रोइंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकुलर ग्रोथ कैरेक्टराइज बाय। अब ये जब ये प्राइमोडियल फॉलिकल की ग्रोथ होगी तो ग्रोथ में क्या क्या चेंजेस होंगे, सबसे पहले चेंजेस वो साइड में भी होगी, और उसके बाद जो फॉलिकुलर सेल्स है जिनको हम लोगों ने कैनुलोसा सेल्स का नाम दिया उनमें भी चेंजेस होंगे। ठीक है, एज अ प्राइमोडियल फॉलिकल ग्रोथ इट प्रोसेस थ्रू द फॉलोइंग फंडामेंटल स्टेजेस, इसमें यूनिलैमिनर प्राइमरी फॉलिकल है, मल्टीलैमिनर प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, और सेकेंडरी फॉलिकल अल्टीमेटली विल बिकम मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, यूनिलैमिनर प्राइमरी फॉलिकल। यूनिलैमिनर का मतलब है कि सिंगल लेयर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें क्या होता है कि वही प्राइमोडियल फॉलिकल की जब ग्रोथ होगी तो उसमें वो साइड में अब हमने हर फॉलिकल में चेंजेस देखने वो साइड में भी, और जो फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म कर रहे थे जैसे कि प्राइमोडियल फॉलिकल में स्टेमल सेल्स थे उनमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, यूनिलैमिनर प्राइमरी फॉलिकल हम कब पाएंगे, क्योंकि वो साइड उसका साइज इनलार्ज होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन नंबर होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मोर एक्सटेंसिव होगा। इसके साथ साथ कॉल्जी कॉम्प्लेक्स होगा वो भी ज़्यादा होगा, मूव करेगा टुवर्ड्स द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेल। इन सब चीज़ों के अलावा एक स्पेशल सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होंगे जिसको हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का नाम देते हैं, वो साइड का जो पेरिफेरल पार्ट होगा साइटोप्लाज्म का वहाँ अपीयर होंगे। अब बेसिकली इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का क्या काम होता है कि ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ये ग्रैन्यूल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं बाय ओवोसाइट्स इनटू द ज़ोना कैलोसिना टू प्रिवेंट कोलिस्पर्म। ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन बाय मोर देन वन स्पर्म, उसको कोलिस्पर्म ही कहते हैं, इसको ये प्रिवेंट करता है। सो यूनिलैमिनर प्राइमरी फॉलिकल में ओवोसाइट्स का साइज इनलार्ज होगा, अंदर इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह है उनमें चेंजेस आएंगे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होंगे साइटोप्लाज्म में। फॉलिकुलर सेल्स में क्या चेंज होगा, फॉलिकुलर सेल्स जो कि प्राइमोडियल फॉलिकल में सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स थे, अब यहाँ पर आप लोग देखो तो कौन सी लेयर बन रही है, फॉलिकुलर सेल्स नाउ बिकम सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स में चेंज हो गए हैं, और इसके साथ साथ वो साइट को सराउंड करेगी एक होमोजेनस मटीरियल व्हिच इज नोन एज ज़ोना पेलोसिडा। ज़ोना पेलोसिडा सराउंड करना वो साइट को, इसके बाहर सिंगल लेयर जो स्क्वामस सेल्स थी वो कन्वर्ट होगी इनटू सिंगल लेयर क्यूबॉइडल सेल्स। लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में देखो तो ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें प्राइमरी ओवोसाइट है, अंदर इसके बाहर बेसिकली ज़ोना पेलोसिडा जो कि पिंक लेयर आप लोगों को नजर आ रही है इसको फिर एक्सप्लेन लेती है, और बाहर सिंगल लेयर है क्यूबॉइडल सेल्स की। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स इंक्रीज इन नंबर बाय मॉडरेटली, तो नंबर इंक्रीज होगा, दूसरा चेंज होंगे, शेप चेंज करेंगे फ्रॉम स्क्वैमस टू क्यूबॉइडल सेल्स। अब ये सेल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे बाई गैप जंक्शन, इसके साथ साथ एक अमॉर्फस होमोजेनस मटीरियल की लेयर अपीयर होती है ओवरसाइड एंड ग्रैनुलर सेल्स व्हिच इज नोन एज ज़ोना पेलोसिडा, और ये एसिटोफिलिक स्टेन लेगा इन ऑर्डिनरी क्यूबॉइडल सिचुएशंस। ज़ोना पेलोसिडा में बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं 1, 2, 3 and 4 जो कि स्क्रीट होती है ओवरसाइड से, और इन ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या फंक्शन होते हैं, बेसिकली ये बाइंड करती हैं रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्पर्म में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल मैंने आप लोगों को बताया था कि दो में डिवाइड होता है, एक होता है यूनिलैमिनर एक होता है मल्टी यूनिलैमिनर। हम उस समय पहले जब वो सिंगल लेयर मुश्तमिल होगा, अब जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है वो साइट और
ग्रैनुलर का सेल्स भी चेंजेस हो रहे हैं। तो मल्टी ग्रैनुलर प्राइमरी फॉलिकल का मतलब है कि इसमें मोर देन वन लेयर होती है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल की। एज ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल कंटिन्यूस, ग्रैनुलर सेल्स होंगे वो फर्दर प्रोलिफरेट करेंगे। अब यहाँ पर सेवरल लेयर्स होंगी वो प्राइमरी ओवोसाइट को साउंड करेंगी, और जब ये सेवरल लेयर्स साउंड करेंगी तो उसको हम मल्टी लैमिनार प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। और ये जो ग्रैनुलोजर सेल्स की मल्टीपल लेयर्स हैं इनको हम स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम का नाम देते हैं, क्योंकि अब ये मोर देन वन लेयर गैस वाइट इज नोन एज स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम। अब जो स्ट्रोमल सेल्स है जो कि साउंड कर रहे थे प्राइमोडियल और प्राइमरी फॉलिकल को, वो अब उनमें भी ग्रोथ प्रोग्रेस करेगी, होंगे बेसिकली शीट की फॉर्म में सराउंड करेंगे ओवेरियन फॉलिकल को, ये क्या बना देंगे फीटा फॉलिकुला, ठीक है। और ये बेसिकली स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम से सेपरेट होंगे बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये थीटा फॉलिकुला फर्दर डिफरेंशिएट होंगे इन द टू लेयर्स में। इनर लेयर को हम थीटा इंटरनल कहेंगे और आउटर लेयर को थीटा एक्सटर्नल कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक मल्टी लेमिनर प्राइमरी फॉलिकल है, आप लोग देख सकते हो इनसाइड प्राइमरी ओवोसाइट है, प्राइमरी ओवोसाइट के बाहर एक होमोजेनस मटीरियल की लेयर है जिसमें जोना पेलोसिटा, जोना पेलोसिटा के बाहर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स है ग्रैनुलोजा सेल्स की, सिंगल क्यूबॉइडल सॉरी क्यूबॉइडल सेल्स की मल्टीपल लेयर्स हैं, और इनको हम स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम का नाम देंगे। और स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम अभी भी रेस्ट करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर दीज आर दी स्ट्रोमल सेल्स, अब जो कि एक शीट की फॉर्म में इसके बाहर अरेंज होंगे, और ये शीट जो होगी वो थीटा पॉलीक्युलाई कहलाएगी, और ये थीटा पॉलीक्युलाई होगी फर्दर चेंज होगी इनटू टू लेयर्स, इनर लेयर जो होगी दिस वन इज इनर लेयर्स ऑफ द थीटा इंटरनल, जिसके बाहर आउटर लेयर होगी इसमें फर्दर सेल्स की जिसको हम थीटा एक्सटर्नल कहेंगे, ठीक है बेटा। ये प्राइमरी मल्टी लैमिनर प्राइमरी पॉलिकल है, और इसके साथ साथ आप लोगों को मल्टीपल प्राइमोडियल पॉलिकल्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये दिस वन इज दी यूनिलैमिनर प्राइमरी फॉलिकल सिंगल लेयर है, पहले प्राइमोडियल फॉलिकल था फिर यूनिलैमिनर प्राइमरी फॉलिकल बना, उसके बाद ये मल्टीलैमिनर प्राइमरी फॉलिकल। अब अगर हम थीटा इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करें, थीटा इंटरनल जो है बेसिकली इनर लेयर है, इसमें पृथ्वी के बॉर्डर सेल्स होते हैं जिनको हम थीटा सेल्स का नाम देते हैं, जो कि बेसिकली क्या है ट्रांसफॉर्म स्ट्रोमल सेल्स इन कॉर्टेक्स के। इन बेसिकली इन सेल्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसकी सीओआई प्रोड्यूसिंग सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि न्यूमरस लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया विद ट्यूबुलर क्रिस्टी होते हैं, और इसके अलावा अबंडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। फंक्शन क्या है इनका कि सीक्रेट करते हैं सीओआई जिसको हम एंडोस्टीनिन आयन कहते हैं, जो कि ग्रैनुलोजा सेल्स विच पासिस थ्रू द ग्रैनुलोजा सेल्स, वहाँ पर ये कन्वर्ट होता है इंटू 17 बीटा एस्ट्राडियोल, जो कि एक पोटेंट एस्ट्रोजन है, ठीक है। एस्ट्राडियोल रिटर्न होगा टू द थीटा इंटरनल, वहाँ से फिर दोबारा थीटा इंटरनल की तरफ आएगा, और वहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो एंटर हो जाएगा इन द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द कैपिलरीज प्रेजेंट इन दिस लेयर, ठीक है। इसके साथ साथ थीटा इंटरनल लेयर में हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर्स और रिच नेटवर्क जो होगी नेस्टेटेड कैपिलरीज वो भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो हमने मल्टी लैमिनर प्राइमरी फॉलिकल के लेवल के जो है थीटा फॉलिकुलाई जो है वो दो लेयर्स में चेंज हो गई है प्रॉपर, एक थीटा इंटरनल। सन्ना की अगर हम बात करें आउटर लेयर है, इसमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं मोस्टली फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स होंगे, और इन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है बेसिकली हेल्प करती है इन एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन फॉर द रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है। मल्टी लैमिनर प्राइमरी फॉलिकल को हम प्री एंट्रल फॉलिकल का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो सेकेंडरी फॉलिकल होगा उसमें अब कैविटी अपीयर होना शुरू हो जाएगी। एंट्रल एंट्रल का बेसिकली मतलब होता है कैविटी, सो मल्टी लैमिनर प्राइमरी फॉलिकल को हम प्री एंट्रल फॉलिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें कैविटी अपीयर नहीं हुई, सो इट इज़ नोन एज प्री एंट्रल फॉलिकल। और मल्टी लैमिनर प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेवलप होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, जिसके अंदर फिर कैविटी डेवलप होगी, ठीक है। और अब जैसे जैसे ओवेरियन फॉलिकल ग्रो करते जाएंगे, अब ये मूव करते जाएंगे थोड़ा डीपर एरियाज ऑफ द ओवेरियन कॉर्टेक्स। नेक्स्ट बेटा हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल की बात करते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसको हम एंट्रल फॉलिकल भी कहेंगे, क्योंकि इट इज कैरेक्टराइज बाय अ प्रेजेंस ऑफ कैविटी, ठीक है। और इसके अंदर कैविटी अपीयर होगी, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एंट्रल फॉलिकल, और इस कैविटी को हम एंट्रम फॉलिकुलाई कहेंगे, ठीक है। एंट्रम फॉलिकुलाई, अब ये कैविटी अपीयर कैसे होती है, सबसे पहले स्मॉल स्पेसिस अपीयर होनी शुरू हो जाती है बिटवीन द स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम,
स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम जो सम है मल्टीपल लेयर्स की ग्रैनुलोसम सेल्स की, उन सेल्स के अंदर स्मॉल स्पेसेस या फिर जिसको इंटर सेलुलर क्लेफ्ट्स भी कह रहे हैं, यानी सेल्स के दरमियान में स्मॉल क्लेफ्ट्स अपीयर होने शुरू हो जाएंगे और ये क्लेफ्ट्स होंगे उनके अंदर हमारे पास फ्लूइड होगा जिसको हम वाइटर पॉलीफ्लाई का नाम होंगे। ऐसा ऐसा ये क्लेफ्ट्स होंगे स्मॉल स्पेसेस होंगी वो आपस में मिलकर एक लार्ज क्रिसेंट शेप कैविटी बना देगी, सिंगल क्रिसेंट शेप कैविटी बना देगी जिसको हम एंट्रम पॉलीफ्लाई का नाम देंगे। ठीक है, आई रिपीट, सेकेंडरी पॉलिकल को हम एंट्रम पॉलिकल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कैविटी अपेयर होती है। अब कैविटी जो है बनती कैसे है कि स्टेटम ग्रैनुलोसम जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स के उनके दरमियान में स्मॉल स्पेसेस अपेयर होती हैं, ये स्पेसेस आहिस्ता आहिस्ता मिलकर एक सिंगल लार्ज क्रिसेंट शेप हाफ मून शेप कैविटी बनाएंगी और इस कैविटी के अंदर फ्लूड होगा जो कंप्लीट होगा बाय ग्रैनुलोसा सेल्स से और ये फ्लूड को हम माइक्रो पॉलीक्यूलाई का नाम देंगे। ठीक है बेटा, ये हर पॉलिकल के अलग अलग फीचर्स आप लोगों को पता होने चाहिए क्योंकि आप लोगों को किसी भी पॉलिकल पे ये फीचर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी पॉलिकल में पूछा जा सकता है कि कैविटी जो होगी कब अपेयर होगी और कौन से पॉलिकल में अपेयर होगी, सो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेकेंडरी पॉलिकल के लेवल पर जो है वो कैविटी जो है वो अपेयर होती है। ठीक है, सेल्स ऑफ द स्टेटम ग्रैनुलोसम, अब जब कैविटी अपेयर हो जाएगी जो सेल्स होंगे स्टेटम ग्रैनुलोसम के वो रीऑर्गेनाइज होंगे। ठीक है, अब वो कैविटी के अंदर रीऑर्गेनाइज होंगे और रीऑर्गेनाइज होने के बाद वो एक यूनिफॉर्म स्टेटम ग्रैनुलोसम बनाएंगे। ठीक है, और वो कितनी लेयर्स पे होंगी, 3 to 5 लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे। ठीक है, ये सबसे पहले आप लोगों ने मल्टी लैमिनर प्राइमरी फॉलिकल देखा था, उसके बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल है। अब इसमें जो मल्टीपल लेयर्स हैं ग्रैनुलोसा सेल्स की, ये इसके अंदर स्मॉल स्पेसेस अपेयर हो रही है। ठीक है, और ये स्पेसेस अल्टीमेटली जब ज्वाइन करेंगी ये ज्वाइन करके क्रिसेंट शेप कैविटी बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों को क्रिसेंट शेप कैविटी बनती नजर आ रही है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल और ये क्रिसेंट शेप कैविटी जो होगी इसको हम एंट्रम फॉलिकुलाई का नाम देंगे और ये एंट्रम फॉलिकुलाई जो होगा वो फिल्ड होगा विद फ्लूइड व्हिच इज नोन एज लाइकर फॉलिकुला। ठीक है, अब ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी की वजह से जो प्राइमरी ओवोसाइट होगा वो एक साइड की तरफ पुश कर जाएगा। ठीक है, एक साइड की तरफ भी पुश कर दिया, इसमें जो सेल्स थे कैविटी की वजह से अपेयर होने की वजह से अभी इस जगह पे ये सेल्स जो हैं वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गए। यहाँ पर इन्होंने एक थिन जो 3 to 5 लेयर्स जो होंगे यहाँ पर बना देंगे इसके कैविटी के अंदर। ठीक है, और वो साइड जो है वो एक साइड पर पुश हो गया और कैविटी जो होगी वो अंदर आ जाती है। ठीक है, एंट्रम फॉलिकुलाई यानी कि कैविटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज और जो इसके अंदर फ्लूड होगा उसका अमाउंट भी इंक्रीज होगा और फ्लूड और बेसिकली इसकी वजह से तो फ्लूड की वजह से कैविटी इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से क्या होगा तो वो साइड और ग्रैनुलोसा सेल्स जो होंगी जिसको साउंड करें वो टूवर्ड्स दी वॉल ऑफ एंट्रम की तरफ पुश करेंगे। वो साइड जो होगा अब जिस तरफ वो साइड होगा उसके अराउंड जो होगा एक हीप ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे उसको सराउंड किए होंगे। ठीक है, वो साइड नाउ लाइज विद इन अ हीप ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स जो कि बेसिकली प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम द फॉलिकुलर वॉल से इनटू द कैविटी फ्लूइड फिल्ड एंट्रम फॉलिकुलर और इन हीप ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स को हम क्यूमुलस फोरस का नाम देंगे। ठीक है, और विद इन द क्यूमुलस फोरस अ लेयर ऑफ रेडिएटिंग ग्रैनुलोसा सेल्स जो कि सराउंड करेंगी वो साइड को आउटर जो जोन है पहले शुरू है दिस लेयर इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटर। इसके डायग्राम में पहले देखते हैं, अब ये कैविटी अपेयर होने के बाद वो साइड जो है वो एक तरफ से पुश हो गया। अब जिस तरफ से वो साइड है वहाँ पर पॉलिकुलर सेल्स जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा तादाद में है और ये पॉलिकुलर सेल्स बेसिकली जो है ये साउंड के अंदर वो साइड के अराउंड और ये बेसिकली ये हीप ऑफ दिस सेल्स दिस हीप ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स प्रोजेक्ट करेंगे ओवर साइड को इनटू द पॉलिकुलर कैविटी और इन सेल्स को हम क्यूमुलस फोरस का नाम देंगे और सेल्स जोना पेलोसिटा के अराउंड जो इमीडिएट लेयर होगी सेल्स की जो कि उसको सराउंड करेगी ओवर साइड को उसको हम कोरोना रेडिएटर का नाम देंगे। ठीक है, और ये फीचर्स जो होंगे फर्दर क्लियर होंगे इन मैच्योर फॉलिकल में जब सेकेंडरी फॉलिकल जो होगा वो मैच्योर फॉलिकल में डिलीवर होगा। ये एक और पिक्चर है, इसमें आप लोगों को जैसे कि वो साइड प्राइमरी ओवोसाइट उसके बाद जोना पेलोसिटा है
कोरा पेलोसिडा के जस्ट अराउंड जो सिंगल लेयर होगी सेल्स की, उसको हम कोरा रेडिएटर का नाम देंगे। इसके अलावा जो फॉलिकुलर सेल्स हैं जो कि उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं दिस ओवोसाइट को टुवर्ड्स द कैविटी यानी एंट्रम फॉलिकुलाई की तरफ, ये दिस हीप ऑफ सेल्स इनको हम ट्यूमुलस फोरस का नाम देंगे। ठीक है, बाकी जो सारे सेल्स हैं जो कि इधर इस तरफ कैविटी के अराउंड सराउंड किए हैं वो स्टेटिन ग्रैनुलेशन कहलाएंगे। वो साइड के अराउंड जो सेल्स हैं जस्ट इमीडिएट को कोरोना रेडिएटर कहलाएंगे, और जो इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द कैविटी वो ट्यूमुलस फोरस कहलाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा लाइको फॉलिकुलाई की अगर हम बात करें यानी जो कैविटी के अंदर फ्लूइड है बेसिकली वो क्या किस चीज़ का बना हुआ था, इट इज एन एक्सुडेट ऑफ प्लाज्मा लेकिन also contains products created by granulosa cells. Granulosa cells ये products create हो रहे हैं। उसके components में हमारे पास hyaluronic acid, heparin sulfate, fibrinogen, plasminogen और इसके साथ साथ high concentration में थे progesterone, estradiol and androstenedione। ठीक है, most of the secondary follicles, मैंने आप लोगों को बताया कि secondary follicles का अब जो जितने भी secondary follicles बने हैं उनमें से सिर्फ एक सेकेंडरी फॉलिकल जो होगा वो डिवेलप होगा और वो मैच्योर और वो कन्वर्ट होगा इनटू द मैच्योर फॉलिकल। बाकी जितने भी सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं वो अंडर गो अ प्रोसेस ऑफ एट्रीजिया। तो फॉलिकल एट्रीजिया मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल्स जो होंगे वो अंडर गो फॉलिकुलर एट्रीजिया बट एटलीस्ट वन ऑफ देम कंटिन्यूस टू डिवेलप फर्दर टू गिव राइज़ टू द मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल जो कि फिर फर्दर ओवुलेशन उसके अंदर ओवुलेशन। मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल इज ऑल्सो नोन एज टर्शियरी फॉलिकल या फिर ग्रेटियन फॉलिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अक्सर आप लोगों को अकेले ड्रॉ करने या इसके स्ट्रक्चर्स जो है वो लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मेच्योर फॉलिकल का दूसरा नाम बाकी नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, टर्शियरी या फिर ग्रेटियन फॉलिकल। फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, फर्दर प्रोलिफरेशन ग्रैनुलोसा सेल्स की हो रही है, कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइको फॉलिकुलाई जो कैविटी के अंदर फ्लूड है उसका अमाउंट भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास मैच्योर फॉलिकल क्या है, एक लार्ज सिस्टिक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटेंड कर रहा है थ्रू द फुल ब्रेथ ऑफ द ओवेरियन कॉर्टेक्स। और ये बेसिकली मैच्योर फॉलिकल जो होता है ये बेसिकल बल्ज प्रोड्यूस करता है ऑन द सर्फेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे फ्लूड एक्यूमुलेट होता है फॉलिकुलर कैविटी के अंदर तो कैविटी जो होगी लार्ज होती जाएगी, ग्रैनुलोसा सेल्स जो होंगे वो थिन होते जाएंगे, ग्रैनुलोसा सेल्स की डिवीजन खत्म हो जाएगी और ग्रैनुलोसम जो होगी वो कितना सॉलिडिटी थिन होगा। ठीक है, अल्टीमेटली एक टाइम आएगा फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और वो साइड जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ वो साइड फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओवुलेशन। और ये कब हो रही है, अब ये हम ओवेरियन साइकिल के मिड पे पहुंच चुके हैं यानी मिड ऑफ द ओवेरियन साइकिल में ओवुलेशन का प्रोसेस जो है वो हो चुका है। दिस इज द पिक्चर ऑफ मैच्योर ग्रेपियन या फिर टर्शियरी फॉलिकल, इट ऑक्यूपाइज द फुल ब्रेथ ऑफ द ओवेरियन कॉर्टेक्स। अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो कैविटी जो शुरू में बनी थी वो लार्ज हो गई है, एक रीसेंट शेप कैविटी है। इसके अराउंड जितने भी ये सेल्स हैं मल्टीपल लेयर्स की, अब यहाँ पर सडन ग्रैनुलोसम जो है उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, एक रिलेटिवली थिनर सेल्स हो जाएंगे, ये सारे स्टेट ऑफ ग्रैनुलोसम कहलाएंगे। लेकिन अराउंड द ओ साइड जो ओ साइड है क्योंकि एक साइड पर कुछ हुआ है, इसके अराउंड जो सेल्स हैं जो कि इसको सराउंड कर रहे हैं ये सेल्स को कोरोना रेगुलेटर कराएंगे। लेकिन जो सेल्स इस साइड पे जो सेल्स होंगे जो कि इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स द कैविटी, बेसिकली ये कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट हुआ है ओ साइड, जो सेल्स इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कैविटी के अंदर ये सेल्स ट्यूमुलस फोरस कहलाएंगे। ये सारे फीचर्स हैं मैच्योर और ओवेरियन ग्रेपिंग फॉलिकल के। ठीक है, अगर आप लोगों को लिखना आएगा अपने सारे फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, एंट्रम फॉलिकुलाई, लाइको फॉलिकुलाई, कोरोना रेडिएटा, ट्यूमुलस फोरस, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ अगर आप लोग चुतिका इंटरनल और एक्सटर्नल जो सेकेंडरी फॉलिकल में बनी थी मल्टी लेमिनर प्राइमरी फॉलिकल में लेयर्स बनी थी वो वैसे वैसे साथ साथ चलती जाएंगी, आप लोगों को सेकेंडरी फॉलिकल के बाहर भी टीका इंटरनल और एक्सटर्नल मिलेगा और मैच्योर फॉलिकल के बाहर भी टीका इंटरनल और एक्सटर्नल मिलेगा। इंटरनल में आप लोगों को मैंने बताया था कि रफली बॉडी शेप सेल्स होंगे, एक्सटर्नल में मोस्टली स्मूथ मसल सेल्स होंगे। ठीक है, ये लेयर्स जो हैं कैंसर टिश्यू की ये साथ साथ मल्टी लैमिनर फॉलिकल से बनना शुरू हुई थी, सेकेंडरी फॉलिकल में भी मिलेगी और उसके बाद टर्शियरी या फिर ग्रेटियन फॉलिकल में भी मिलेगी। ठीक है,
ये लाइट में किसको भी पिक्चर है मेच्योर प्री ओव्यूलेटरी या फिर ब्रेकिंग फॉलिकल की फ्लूइड इंक्रीज होता है, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा फ्लूइड का एक टाइम आएगा जब ये रप्चर कर देगा ग्रॉसिंग फॉलिकल, और रप्चर होने के बाद जो टू साइड होगा वो रिलीज होगा एट द एंड ऑफ द साइकिल भी, और इसको हम ओव्यूलेशन का काम देंगे। ठीक है, ये सारी स्टेजेस बेटा इकट्ठी करके आप लोगों को दिखाई नहीं है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटन स्टेमस सेल्स थे, और उसके बाद स्ट्रोमल सेल्स यूनिलैमिनर में ये साइज फोर साइड का इंक्रीज होगा, इसके साथ साथ फ्लैटन सेल्स चेंज होंगे इनटू क्यूबॉइडल सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स में। मल्टीलैमिनर प्राइमरी फॉलिकल में मल्टीलैमिनर क्यों कर रहे हैं कि सिंगल जो क्यूबॉइडल सेल्स के अब मल्टीपल लेयर्स बन गई हैं इसमें, और जो बाहर स्ट्रोमल सेल्स हैं वो अब अरेंज होना शुरू हो रहे हैं इनटू शीट की फॉर्म में थीका फॉलिकुलाई बना रहे हैं। ठीक है, एंट्रल फॉलिकल में एंट्रल क्यों कह रहे हैं, ये सेकेंडरी फॉलिकल है बेसिकली, इसमें कैविटी अपीयर होना शुरू हो गई है, वो साइड एक साइड पे पुश हो गया है, बाहर जो थीका फॉलिकुलाई है वो परमानेंट दो लेयर्स में डिवाइड हो गई है, इंटरनल थीका इंटरनल और आउटर थीका एक्सटर्नल। अब मैच्योर फॉलिकल में सारे स्ट्रक्चर्स हमारे पास अपीयर हो गए, डिसेंट शेप कैविटी है फिल्ड विद लाइटर फॉलिकुलाई, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम थिनर लेयर्स, एक साइड पर पुश किया हुआ वो साइड है, सराउंडेड बाय कोरोना रेडिएटर एंड प्रोजेक्टेड इनटू द कैविटी बाय ट्यूमुलस कुपोला। ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन आप लोगों को बताया था, अब ओवुलेशन होगी ओवम रिलीज हो जाएगा, अब बाकी जो स्ट्रक्चर है सारा ग्रैनुलोसा सेल्स थीका इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स ये अब जो है ये चेंज होंगे इंटू कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसमें बस डिफरेंस क्या है कि इसमें से ओवम रिलीज होते हैं, बाकी सारे ओवम रिलीज होगा अलॉन्ग विद द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर, या आप लोगों ने पढ़ा होगा एनवॉलॉजी में ओवम जो होगा अलॉन्ग विद सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर जो होगा वो रिलीज होगा, और बाकी जो रिमेनिंग जो पार्ट है रिलेटेड फॉलिकल का वो देन इट विल कन्वर्टेड इंटू कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है बेटा, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम, आप लोगों से पूछा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म, कॉर्पस ल्यूटियम की फेट क्या है और इसका फंक्शन क्या है। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है, आफ्टर ओव्यूलेशन जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो डज नॉट रीजनरेट, रीजनरेट नहीं होगा, रीजनरेट नहीं होगा इट वंस, बट इट इज ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू टेंपरेरी एंडोक्राइन ऑर्गन व्हिच इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। होता क्या है कि व्हेन द फॉलिकुलर फ्लूइड इज रिलीज अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर फॉलिकुलर रिलीज होगा, फॉलिकल कोलैप्स करेगा, इसकी वॉल जो होगी जब एकदम से किसी भी चीज़ के अंदर से फ्लूइड बाहर निकलता है तो उसके जो वो होगा वो फोल्डेड स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो जाहिर बात है जब ओवेरियन फॉलिकल के अंदर से फ्लूइड जो होगा अंडर प्रेशर रिलीज होगा तो रिमेनिंग फॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होगा और अब वो फोल्डेड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो द फॉलिकल कोलैप्सेस एंड इट्स वॉल इज शोन इन टू डीप फोल्ड्स। अब थीका इंटरना में जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज थी उनमें से ब्लीडिंग होगी और ये ब्लीडिंग जो होगी आप लोगों को ब्लीडिंग फ्रॉम द कैपिलरीज होगा थीका इंटरना इनटू द फॉलिकुलर ल्यूमेन, इसकी वजह से एक सेंट्रल ब्लड क्लॉट बन जाएगा जो कि आप लोगों को कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर में नजर आएगा। फॉलिकुलर कैविटी एंड ब्लड क्लॉट आर लेटर इन्वेडेड बाय स्ट्रोमल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लड वेसल्स, ये फॉलिकुलर कैविटी और ब्लड क्लॉट जो बना है उसको इन्वेजन होगी बाय स्ट्रोमल सेल्स कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिलरीज से। अब क्या होगा कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ एलएच, अब यहाँ पर ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज स्टार्ट होगी है और यहाँ पर अब एलएच जो है वो हाई इंक्रीज अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हाई लेवल्स ऑफ एलएच चेंजेस होंगे स्टेटम ग्रैनुलोसम में और जो टीका इंटरना की जो सेल्स थे उनमें आएंगी, और ये ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे स्टेटम ग्रैनुलोसम सेल्स होंगे वो ग्रैनुलोसा ल्यूटिन सेल्स में चेंज हो जाएंगे और जो थीका इंटरनल सेल्स के वो थीका ल्यूटिन ऑफ सेल्स में चेंज हो जाएंगे ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, यानी कि अब सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ये बेसिकली ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये रिमेन्स है ओवेरियन फॉलिकल का, और रिमेन्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल में हमारे पास क्या था, एक तो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम थी और दूसरा उसके बाहर जो स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यू यानी थीका फॉलिकुलाई के लेयर्स थी। ठीक है, एक थीका इंटरनल और थीका एक्सटर्नल। अब जो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है वो बेसिकली चेंज हो जाएगी इनटू ग्रैनुलोसा ल्यूटिन सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये बेसिकली पेल स्टेनिंग सेल्स होते हैं। आप लोगों को एक फोल्डेड स्ट्रक्चर जितना भी नजर आ रहा है ये कॉर्पस ल्यूटियम है, सेंटर में ये ब्लड क्लॉट होगा, अंदर और बाहर दोनों तरफ इसके
कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग होगी। ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फोल्डिंग के थ्रू अंदर भी जा रही है और बाहर भी इसके कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है। अगर अब अगर आप लोग दोनों साइडों पे देखो तो ये आप लोगों को एक डार्कर स्टेनिंग सेल्स जा रहे हैं किस तरफ और एक किस तरफ। इनके बीच में जो लाइटर स्टेनिंग सेल्स हैं बेसिकली दीज आर द ग्रैनुलोसा ल्यूटिन सेल्स, और ये किससे बने हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं फ्रॉम स्टेटम ग्रैनुलोसम ऑफ द जो फॉलिकल जो रप्चर हुआ था उसमें से, ठीक है। अब जो दूसरे नंबर पे जो सेल्स थे थीका ल्यूटिन सेल्स, सॉरी थीका इंटरना सेल्स जो कि इसके बाहर थे स्टेटम ग्रैनुलोसम के बाहर थे, तो अब वो जो होंगे दीज आर द थीका ल्यूटिन सेल्स, और ये थीका इंटरना सेल्स बेसिकली ट्रांसफॉर्म होंगे इंटू थीका ल्यूटिन सेल्स। या आउटसाइड द थीका स्टेटम ग्रैनुलोसम प्रेजेंट थे तो सो यहाँ पे भी आप लोगों को आउटसाइड द ग्रैनुलोसा सेल्स मिलेंगे, और इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या है कि ग्रैनुलोसा ल्यूटिन सेल्स लार्ज होंगे क्लियर स्टेनिंग सेल्स होंगे, थीका ल्यूटिन सेल्स आप लोगों को स्मॉल मिलेंगे और डार्कली स्टेनिंग सेल्स मिलेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं ग्रैनुलोसा ल्यूटिन सेल्स पेल स्टेनिंग सेल्स एंड लार्ज सेल्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ द टोटल सेल पॉपुलेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। इसमें स्ट्रक्चरल फीचर्स जो कि स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है जो कि थीका इंटरना सेल्स में थी, और ये जैसे कि न्यूमरस लिपिड पॉकेट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ट्यूबुलर क्रिस्टी अबंडेंस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंजाइम आप लोगों को मिलेगा एरोमेटेज। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे येलोइश पिगमेंट के, और बेसिकली ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द येलोइश कलर ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। जब आप लोग इसको फ्रेशली अनस्टेट कंडीशन में देखोगे तो उस वक्त कॉर्पस ल्यूटियम आप लोगों को येलो कलर का नजर आएगा। वो येलो कलर क्यों नजर आएगा, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में हमारे पास येलोश माइक्रोफोन ट्रीटमेंट होता है जिसको हम ल्यूटिन ट्रीटमेंट कर देते हैं। फंक्शन क्या है ग्रैनुलोसा ल्यूटिन सेल्स का, ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है इसके साथ एस्ट्राडियोल और एंड्रोजेस्टेरोन डायोल, ठीक है। ये एक इमेज बड़ा करके दिखाया हुआ है। अब ये जो है सारे पेल स्टेनिंग ग्रैनुलोसा ल्यूटिन सेल्स हैं, इनके दरमियान में ब्लड वेसल्स हैं, और इनके बाहर जो डार्कली स्टेनिंग स्मॉल सेल्स हैं, ये लार्ज सेल्स हैं, ये स्मॉल सेल्स हैं। डार्कली स्टेनिंग जो स्मॉल सेल्स हैं आउटसाइड दैन ये थीका ल्यूटिन सेल्स हैं, इनके बाहर ये कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग होगा, ठीक है। थीका एक्सटर्ना के अंदर जो ब्लड स्मूथ मसल्स और आर्टरी ग्रोथ होंगी होंगी वो थीका इंटरना के बाहर होंगे। थीका ल्यूटिन सेल्स की बात करें स्मॉलर है देन द ग्रैनुलोसा ल्यूटिन सेल्स, इसके साथ साथ डार्कली स्टेनिंग भी है, स्टेनिंग मोर इंटेंसिटी देन द ग्रैनुलोसा सेल्स। साइटोप्लाज्म जो वो उसमें फैट ड्रॉपलेट्स माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन की अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज एंड्रोजेस्टेरोन डायहोर्मोन्स होते हैं वो रिलीज करते हैं जो कि बेसिकली पासेस टू द ग्रैनुलोसा ल्यूटिन सेल्स फॉर कन्वर्जन इनटू एस्ट्राडियोल। फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस ल्यूटियम के फेट में अब जब डिस्चार्ज ओवम जो ओवम डिस्चार्ज हुआ बेसिकली उसकी फर्टिलाइजेशन पर डिपेंड करती है फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इफ द डिस्चार्ज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, इन फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो कुछ दिनों तक उसकी डिवेलपमेंट होगी, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम अटेन्स इट्स लेटेस्ट डेवलपमेंट अबाउट 9 days। 9 days तक वो ग्रो करेगा, उसके बाद आफ्टर ओवुलेशन के 9 days के तक वो ग्रो करेगा और उसके बाद वो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम में क्या फंक्शन है कि जिसको वो रिलीज करना है जो कि प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होती है यानी प्रेगनेंसी होती है तो 6 months तक तो उसका साइज इंक्रीज होगा और उसको क्या करके प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, लेकिन जब ये प्लेसेंटा बनेगा और वो टेक ओवर करने का प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता रीजनरेट होगा, ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी और उसके बाद डीजनरेट, ठीक है। अब डीजनरेशन की फॉर्म में इन अदर केसेस अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है, जब भी कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो उस वक्त क्या होगा कि उसमें ऑटोलाइसिस होगी ल्यूटिन सेल्स की, ल्यूटिन सेल्स होंगे ऑटोलाइज हो जाएंगे और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो होगा उसके अमाउंट डिक्रीज होगा, ठीक है। फाइनली
जो सूजन है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगा बाय अ मैस ऑफ वाइट फाइबर्स टिश्यू। इस वाइट फाइबर्स टिश्यू को हम कॉर्पस आइडियम का नाम देते हैं। लेकिन दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज द फुली फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम जस्ट आफ्टर ओवुलेशन। आप लोगों को इसमें सेंटर प्लॉट नजर आ रहे हैं। ये मैच्योर फॉलिकल का जब ओवम रिलीज होगा तो क्या होगा कि ये रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलेगा फोलिकल स्ट्रक्चर वो कॉर्पस ल्यूटियम होगा। कॉर्पस ल्यूटियम सेंटर में टीका इंटरनल जो थी उसकी टकरी मिसक्रिएटिंग होकर सेंट्रल ब्लड क्लॉट आएगा। वाइट फोलिकल स्ट्रक्चर होगा। देन लोजर सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इंटू देन लोजर ल्यूटियम सेल्स। इंटरनल सेल्स होंगे ल्यूटियम सेल्स, ठीक है। और उसके बाद जब जो रिलीज होगा हमारा अगर तो वो फर्टिलाइज होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा इसका साइज इंक्रीज होगा 9 डेज तक। उसके बाद भी ग्रेजुअली जो होगा वो डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो इसका मैक्सिमम जो होगी इसकी साइज इंक्रीज होगा ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ। आफ्टर द फर्स्ट 6 मंथ जो होगी ये इसका साइज इंक्रीज होगा। डिजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो है ये रिसेंट कॉर्पस आर्टिकल्स है। पहले आहिस्ता आहिस्ता इसमें ल्यूटियम सेल्स होंगे उनकी ऑर्गेनाइसिस होगी और इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब ये ल्यूटियम सेल्स होंगे वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएंगे बाय वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। देन इट इज नोन एज कॉर्पस आर्टिकल्स। ये आप लोग क्योंकि वाइट कलर में स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं तो ये कॉर्पस आर्टिकल्स जो है वो आप लोग को कॉर्पस आर्टिकल्स नजर आ जाएगा और ये भी चलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को इसमें सारे स्ट्रक्चर्स हैं पैरिफेरी में सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। इनकी ग्रोथ होने के बाद पहले ये प्राइमरी बनी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, इस वन इज सेकेंडरी टर्शियरी, उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम। बीच में मेडुला है। इसके हम लोगों ने पता था कि सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जितने भी एक फॉलिकल मैच्योर होगा बाकी सारे फॉलिकल्स होंगे वो डिजनरेट हो जाएंगे। तो ये रिजनरेटिव फॉलिकल्स को हम एट्रैक्टिव फॉलिकल्स का नाम देंगे। तो ये एट्रैक्टिव फॉलिकल जो है वो शो किया गया, ठीक है बेटा। तो ये एट्रैक्टिव फॉलिकल है, ये एट्रैक्टिव फॉलिकल, ये सारी स्टेजेस में ओवरी के आप लोगों को उसमें दिखाएंगे। तो ये तो था अपना ओवरी का लेक्चर। जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम बाकी सबसे डिस्कस करेंगे। आप लोगों कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी का स्ट्रक्चर और बाकी सारे नेक्स्ट वीक जब फिलोपियन ट्यूब वगैरह पढ़ेंगे तो भी इंपॉर्टेंट है। ओवरी में अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीक में हम लोग फिलोपियन ट्यूब और बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों का टेस्ट भी आ रहा है नेक्स्ट वीक ट्यूजडे को, शायद टेस्ट है आप लोगों का हिस्टोलॉजी का, स्पेशल हिस्टोलॉजी का, तो उसी के साथ आप लोगों का लेक्चर होगा, ठीक है। इंशाल्लाह ट्यूजडे को मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।